हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट आज है अलेवंथ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ग्यारह अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पहली स्टेटमेंट है Eligible families shall be provided the financial benefit of rupees ten thousand per annum per family, payable in five equal instalment of rupees two thousand each. Second statement: hai, The scheme provides financial support exclusively belonging to SC, SD, strata. Options: ke? option A one only; B, two only; C, both one and two; D, none of the above. क्वेश्चन नंबर वन का राइट right आंसर है नन ऑफ दी वो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या होंगे एलिजिबल फैमिली शैल बी प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड पर एन पर फैमिली पे इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड ईच एवरी फोर मंथ्स टेन नहीं है सिक्स है और इंस्टॉलमेंट कितनी रहेंगी थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड एवरी फोर मंथ्स। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रोगे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स, एलिजिबल फार्मर फैमिलीज सब्जेक्ट प्रिवेलेंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आर टू अवेल ऑफ द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम एज पर द रिसेंट कैबिनेट डिसीजन टेकन ज्यूरिंग मई टू होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रिगार्डिंग रिजिट्रिप्शन में देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट्स को तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डर दस की रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा फिर स्टेटमेंट देखो पहली स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स टू इंक्लूड इन द्रिकुलथिकल रीजनिंग ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड ऑल बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सेकेंड स्टेटमेंट है अनटिल क्लास फाइव शुड बी टॉट इन दियर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज हो सकता है क्लास फाइव तक उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए या रीजनल लैंग्वेज में थर्ड स्टेटमेंट है इट इंट्रोड्यूस इट इंट्रोड्यूस ऑफ ए फाइव ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एन से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए है ओनली वन एंड टू ऑप्शन बी ओनली वन एंड थ्री ऑप्शन सी है टू एंड थ्री ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर है ऑप्शन ए वन एंड टू थर्ड स्टेटमेंट क्यों इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए फोर ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहां पर क्या दिए हुए फॉर ईयर नॉट फोर ईयर इट्स फोर ईयर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है Consider the following statements. Statements hai. The Plastics Pact is a network of initiatives that bring together all key stakeholders at the national or regional level to implement solutions towards a circular economy for plastics. Second statement hai. The first plastics pact was launched in New Zealand in collaboration with RAB. ऑप्शन फर्स्ट है ओनली वन बी ओनली टू ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट right आंसर है ओनली वन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेकेंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाती है द फर्स्ट प्लास्टिक पैक्ट वॉज लॉन्चड इन द यू के इन टू थाउजेंड एटीन यहाँ पे क्या दिया हुआ है न्यूजीलैंड नॉट इन न्यूजीलैंड इन यूके The first plastic pla packed the first plastic pact, was launched in the UK in 2018, in col collaboration with rap a global NGO based on in the UK, in partnership with, in partnership with the Alan Mac Arthur Foundation. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर है। With reference to National Curriculum Framework 2005, consider the following statement. Kiske regarding National Curriculum frame, Framework. First statement, the first time National Curriculum Frameworks published in 2005 by NCRT in India. Second statement, NCF, National Curriculum Framework, the NCF provides the नेटवर्क फॉर मेकिंग सैलरी टेक्सट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया वन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए है वन ओनली ऑप्शन बी टू ओनली ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू ऑप्शन डी है नन आती है वो. क्वेश्चन नंबर फोर का राइट right आंसर है ऑप्शन बी ऑनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट पहले स्टेटमेंट क्यों रहा होंगे इट इज वन ऑफ थ्री नेशनल फ्रेमवर्क पब्लिशेड इन 1986, 2000, 2005 टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव बाई इन इंडिया बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कमीशन बिलोंग्स टू एजुकेशन आज सारे क्वेश्चन एजुकेशन पे ही आ रहे हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे विच ऑफ़ द फॉलोइंग कमीशन बिलोंग्स टू एजुकेशन ऑप्शन ए है खोलसा कमीशन ऑप्शन बी है नानावती कमीशन ऑप्शन सी है कलेगार कमीशन ऑप्शन डी है कोठारी कमीशन क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है कोठारी कमीशन इट वॉज फॉर्मर्ड इन जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप शिप दौलत सिंह कोठारी चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन This submitted its recommendations in June 1966. Birth next question question: The Living Planet Report is published by CONSI Report. Living Planet Report is published by Option A, UNEP, Option B, WEF, Option C, IUCN. ऑप्शन डी है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द डब्ल्यू एफ एवरी टू इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रहती फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहली स्टेटमेंट है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए स्पेसिफाइड सर्टन सब्जेक्ट्स फॉर विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लचर्स में कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल बाई एनेक्टिंग ए लॉ हो सकता है सेकेंड स्टेटमेंट है आर्टिकल थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बी एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स इनमें से है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ध्यान में रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट ऑप्शन ए है वन ओनली वन ऑप्शन बी ओनली टू ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू ऑप्शन डी है दी अबो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू और इनकरेक्ट आर्टिकल थ्री थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री टू कॉन्स्टिट्यूट Administrative tribunals for adjud adjudication of matters related to recruitment and conditions of service of public servants article 323 specified certain subjects for which parliament or state legislature may constitute tribunals by enacting a law next question there about the Indian scientists have developed a composite paper made of carbon. indian scientists have developed a composite paper mode of carbon. the paper will option a detect covid on contact with skin. option b, help reduce cutting of trees to, to make paper. option c, increase the shelf life of fruits. ऑप्शन डी है हेल्प इन मेकिंग आर्टिफिशियल क्लोथस इन प्लेस ऑफ नाइलॉन इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन सी इंक्रीज द शेल लाइफ ऑफ फ्रूट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्वयं रेफरेंस विद रेफरेंस टू स्वयं पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट ही ठीक है इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं SWAM seeks to bridge the digital divide for students who have hitherto remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy. Second statement hai the SWAM the platform facilitates hosting of all the courses taught in classrooms from class 9th.

पहली स्टेटमेंट है इट वॉज़ फाउंडेड इन 1988 बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोलॉन्ग एनवायरमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन ए है वन ओनली बी टू ओनली ऑप्शन सी है बहुत वन एंड टू ऑप्शन डी नाना बो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दी दबोव दोनों स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है इट वॉज साउंड वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहां पे क्या दिया हुआ है एनवायरमेंट प्रोग्राम सेकेंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है इट इज बेस्ड इन जिनेवा नॉट इन न्यूयॉर्क इट इज बेस्ड इन जिनेवा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द राइज इन प्लैनेट टेम्परेचर बाई एंड ऑफ सेंचुरी टू ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम ऑप्शन पी कार्बन ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑप्शन डी है आयरन क्वेश्चन नंबर अलेवन का राइट आंसर है कार्बन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द राइज इन द द्लानट टेम्परेचर बाई एंड ऑफ सेंचुरी टू कार्बन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द राइज इन द्लानिट टेम्परेचर बाई द एंड ऑफ सन्चुरी टू ऑप्शन ए है वन डिग्री सेल्शियस ऑप्शन बी वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्शियस ऑप्शन सी है टू डिग्री सेल्शियस ऑप्शन डी है थ्री डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टू डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन में बस इतना ही काफी है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम पहली स्टेटमेंट है इट इज द मेन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम सेकेंड स्टैंडमेंट एक कन्वेंशन इंटरड इन टू वर्स इन टू थाउजेंड नाइन ऑप्शन क्या है वन ऑनली बी टू ऑनली सी बोथ वन इन टू डी नन ऑफ दो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिस्कस कर रहे हैं कोई भी इतने क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओनली वन सेकंड स्टेटमेंट क्यों हो रहा होंगे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसके रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज क्राइम इट वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन फिफ्टीन नवंबर टू थाउजेंड सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज द मेन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट इन दाइट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम थर्ड स्टेटमेंट है दिन टू फोर्स ऑन ट्वेंटी नाइन सितम्बर टू थाउजेंड थ्री सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वर्ल्ड लाइन डे इज बींग सिंस ऑप्शन ए है टू थाउजेंड टू ऑप्शन बी है <coughs> 2007 ऑप्शन सी है 2013 ऑप्शन डी है 2017 इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी 2013 डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं वर्ल्ड लाइन डे के रिगार्डिंग द फर्स्ट वर्ल्ड लाइन डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2013 इट वाज फाउंडेड बाय डायरेक्ट एंड बेवरली ये क्वेश्चन भी आ सकता है इट वॉज फाउंडड बाई डर एंड बेहरलीब ऑफ द बिग कैट इनिशिएटिव एंड नेशनल जियोग्राफिक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अस्टैब्लिश इन ऑप्शन ए है टू थाउजेंड थ्री ऑप्शन बी है टू थाउजेंड सेवन ऑप्शन सी है टू थाउजेंड नाइन ऑप्शन डी है टू थाउजेंड ट्वेल्व इसका राइट right आंसर है टू थाउजेंड नाइन सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर